अर्ज कर रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, मेरी बहन भी है और ये मेरा बेटा भी है, इन दोनों के लिए कहना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक गुजारिश करना यह चाहता हूँ कि पूरा हवाला रोशन बेग साहब की इतनी शानदार महफिल का हवाला जो है वो उर्दू है, खुदा के लिए इस पर ये आँच ना आ जाए कि उर्दू वाले खुदा ना खास्ते खास्ता हिंदुस्तानी नहीं है या वतन परस्त नहीं है, खुदा के लिए बस ये खुदा ना हो जाए। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ, आप शिरकत कर लेंगे तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब जान के दुश्मन को पहचान लो तो मजा आ जाए। अर्ज क्या है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को, अब मुझे अंदाजा हो गया कितनी देर पढ़ना है, मेरा ख्याल है 3 या 3.5 मिनट। मोहब्बत की इसी मिट्टी को मूड बना के आया था कि कम से कम 40 मिनट जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मेरे मेयार से मेरे खत से बहुत आगे का मुशाहिदा। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।